बिरयानी की बोटी का तो इतना नहीं, मगर वो कढ़ाई का तो बोलता है कि कढ़ाई तो बनानी है ना तो इसकी बोटी तो छोटी ही तो खैर होती छोटी है। चाहे आप उसकी मटन की बनाओ चिकन की बनाओ जो करना है। अरे यार एक दफा तो कढ़ाई की बोटी हमारे गले में पड़ गई थी उसकी, बस चिकन है वो बछिया के गोश्त की हमारे गाग है उसमें बछिया की गोश्त की कढ़ाई बन पाई। अच्छा गोश भी दिया था बहुत अलग किस्म का, तो अब उस गोश्त को अपनी नज़र लग गई क्या हो अब नहीं बेहतर जानता यार। गोश्त बनाया मैंने पीर वाले दिन, अच्छा ऑर्डर था उनका बुध वाले दिन, ठीक है मैंने बोला भाई ऐसा करो बुध वाले दिन जो छुट्टी होती है मिले नहीं मिले गोश्त हाँ ना आप है ना पीर को देख वो गलती हो गई या बना के रख दिया। अरे भाई जिनके घर में शादी थी उनके जो सांडू था ना या उसके बेटे की शादी हो रही तो उसका इंतकाल हो गया। अच्छा ये फ्रिज में रखा तो फ्रिज है ना फ्रिज में कूलिंग करना छोड़ दी तो भाई किसी ना किसी तरीके से मेरे घर के फ्रिज में इधर उधर बर्फ लगा के दो दिन उसके संभाला। मंगल आ गया उसका बेटा मिला वहाँ पर तो ठाक भाई वो है ना वो कह रहा यार हमारे खालू का इंतकाल हो गया तो यार खालू भाई को भरोसा नहीं है ऑर्डर कैंसिल ना हो जाए। अच्छा मेरी एक आदत अपने जानने वालों से पैसे भी चिल्ले खाते थे ऑर्डर कैंसिल हो गया। अच्छा जो अगली पार्टी थी उनके मैं ये थी कि उन्होंने कहीं से डेढ़ मन बोझ और लेके मैं का खाना बिरयानी की बोटी होती ना तो वो तो उसके बाद बिरयानी इतनी बनती है ना वो बना देता और बछिया की गोश्त की कढ़ाई हर बंदा नहीं बनवा पाता। बहुत छोटी बोटी बनवाई थी फिर उसके बेचारे ने उसने भाई ने वहाँ वो जो मेरा घाट था उसने थोड़ा 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 करके कराया चला दूँगा फिर उसने हैरान किशन वाले ने गोश्त भी नए किया यार इसमें बर्फ़ लग गई है ये हो गया बेचारा वो फिर भी उसने गरीब ने अल्लाह के फजल से ठिकाने लगवा दिए उसके ऊपर काम माशाल्लाह बहुत। पूरी चीज़ देता है ईमानदारी जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है भाई पैसे लेता है ना पूरे यार भाई तो वो यही कहते हैं ना कि आप ईमानदारी से काम करो लोग पूरे के यार रेट कम कर दो आप इतना रेट कम करो जितना कर सकते हो कर सकते हो अगर आप इतना रेट कम करोगे जितना नहीं कर सकते हो तो फिर आप गंदी ही मारोगे ना बोला फिर आप जो है राम का गोश्त नहीं डालोगे आप चांपे डाल दोगे ये डाल दोगे वो डाल दोगे सीने डाल दोगे बोला मुर्गी के अंदर जो है लोग सीना ही नहीं डालते फिर क्वांटिटी में डंडी बोला ये अपने पास नहीं मेरा पहले बड़े वाले बेटे का वलीमा हुआ तकरीबन 1300 अपराध का था मैंने इससे डर डर के मैंने इसको 1200 बोला इसने मेरा 1000 आदमी का खाना बनाया 1050 उसने मुझे बोला मुश्ताक भाई इसमें 1150 आदमी खाएंगे आप टेंशन नहीं लो और मैंने तकरीबन समझ लो कि मैंने अपने पूरे खानदान में जो मेरे 7 और मेरे 5 कज़न 12-14 घरों को मैंने इतना इतना खाना दिया है हर किस्म की डिश वो मेरे साथ पैकिंग का सामान भी भेजता है बड़ा वाला मैं इसको बोल देता हूँ। इसी तरीके से फिर बेटी की शादी हुई वो तो 700 अपराध की थी कोविड का सीज़न था 650 की थी उसमें डालमिया पे हाँ जब मैं आया था उसमें अभी मेरे तकरीबन सब रिश्तेदारों को खाना गया है। अच्छा अभी मेरे और फिर अभी जो मेरे बेटे का वलीमा हुआ था ये भी डालमिया पे हुआ था मालवी में सीरियल में ये भी तकरीबन 1100 अपराध का खाना था इसने नहीं बनाया था 950 का बनाया था ये भी मेरे पास के हिसाब बचा था। बोला मुश्ताक भाई आप जितना खाना बोलोगे ना 56 किलो से हम बनाते हैं मैं परेड वाला काम ही नहीं करता किलों का बोला ये बनेगा और मेरे हिसाब से इसमें 900 आदमी फार्मूले के हिसाब से आते हैं और ये खाएंगे जो है ना 950 आदमी खाएंगे बड़ा बड़ा खाना होगा 10% रेट वाला और छोटा होगा 5% बोला इसलिए कि जो असल में इसमें बोला वो भी बहुत होता है ना ज़ाया तो आप बड़ा डिनर है ना 1000 आदमियों का इसमें आप 10% ले लो अगर आपका अगर 550 आदमियों का है तो इसमें आप 6% 7% अभी मैंने 450 का खाना बनाया खिचड़ी इतवर को बली माता हमारे पास इतना खाना बचाया है कि हमने तकरीबन 4
बड़ी बात है भैया, क्योंकि यहाँ तो अगर किसी का 1000 आदमी एस्टिमेट हो ना, तो वो तो मैं 1200 आदमी का हिसाब लगा के बताता है हकीकत में। भाई सही है, बेहतरीन बोटी है, घर में तो बना रहे हो ना भाई। रुची रुची बोटी मुंह में असल में, हाँ ये असल में घर की तो बोटी गोश्त है। ये जो ना यारी एक की भाई ये सही है, तो मतलब इसमें साइको तो अच्छे यार बोल गले ये छोटी बोटी दाए नहीं होती, सबसे बच्चे डांटेंगे तो अगली दफा बड़ी बना। अरे पहले राम की रोटी जीने में डालती हूँ यार, तो मैं खाऊ ना राम की रोटी तो बहुत है ना। बेटा ये पिंजरे में बंद कर देगा तू ये। पेट्रोल बढ़ा है भाई, सुबह डलवा है 332। एक सौ 60 लीटर लगता है महीने का और तकरीबन 120 लीटर मिलता है कंपनी का। 40 बेटे को 15,000 रुपये पेट्रोल के मिलते हैं कंपनी में। 15,000 में क्या होगा, इतना होता है वो तो। मैंने इसको जब जॉब लगी थी तो मैंने बोला ऐसे मांगो हेलाऊँ कुछ भी करके, मैंने बोला बेटा कुछ नहीं कुछ नहीं, बाप के जोर की लंबोटी 50 लीटर के पैसे तो आएंगे। तो मैं अपने पास जो घर में गाड़ी थी उसमें डिलवाता था ना मैं 60-70-80 लीटर, अब उसकी गाड़ी में मैं डिलवा देता हूँ 50 लीटर। अभी अगर वो कभी अपने जाती काम से जैसे पिछले हफ्ते हैदराबाद में शादी भी गए थे तो जेल से मिल रहा, बोला पापा ये पेट्रोल हम कंपनी से कैसे ले सकते हैं, नहीं लो। अस्सलाम वालेकुम।